डोमेशियस अर्थ पाउडर, ये पाउडर क्या है और इस बिजनेस को कैसे शुरू किया जा सकता है, ये बिजनेस जो है वो कितने प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल का काम करती है और कैसे आप इसमें आ सकते हैं, इस बिजनेस की शुरुआत किस लेवल पर करना अच्छा रहेगा, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, ये सारी जानकारी मैं आज आपको IID के इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में देने वाला हूँ। तो चलिए हम चलते हैं इस यूनिट के अंदर और यहाँ पर बात करते हैं डोमेशियस अर्थ पाउडर के बारे में। डायटोमिशियस अर्थ, ये हमारे कैपिटिव माइंड से आता है। ये जो उसमें लाइट डेंसिटी होता है वो सबसे अच्छा डायटोमिशियस अर्थ होता है। सबसे पहले इसका केमिकल टेस्ट करते हैं, इसकी फिजिकल टेस्ट में इसका ब्लड डेंसिटी चेक करते हैं, इसकी मॉइस्चर चेक करते हैं। डेंसिटी और उसे फिजिकल केमिकल टेस्ट करने के बाद हम लोग इसको, अगर ये फुलफिल करता है तो हम लोग इसका प्रोडक्शन में डालते हैं। प्रोडक्शन में डालने के लिए हम लोग सबसे पहले डालते हैं उसको क्रशर में, क्रशर में ही, क्योंकि बल्क की फॉर्म में आता है। क्रश होने के बाद में छोटे छोटे साइज में ये कन्वर्ट हो जाता है। छोटे साइज में कन्वर्ट होने के बाद में ये एलिवेटर से होता हुआ ये हॉपर में जाता है। हॉपर में जाने के बाद ये ग्राइंडिंग यूनिट में जाता है। ग्राइंडिंग यूनिट में ये प्रॉपरली ग्राइंड होता है। हमने को जैसे 300 मैश, 400 मैश, 500 मैश, जितने मैश का हमको मटेरियल चाहिए वो उसमें से अगर ग्राइंड हो जाते हैं तो वो स्क्रीन से पास आउट हो जाता है और बाकी जो बचता है वो वापस ग्राइंडिंग यूनिट में आ जाता है। अगर उसमें मॉइस्चर आती है तो हम लोग उसमें हॉट एयर जनरेटर से मॉइस्चर रिमूव करके हम लोग इसका साइक्लोन में डाल के इसका पाउडर फॉर्म बनाते हैं और पैकिंग करते हैं। उस दौरान हम लोग दो तरीके से टेस्ट करते हैं, एक तो पाउडर फॉर्म जब ये बिफोर पैकिंग टेस्ट करते हैं और एक पैक होने के बाद में टेस्ट करते हैं। कम से कम 10 से 12 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें एरिया 4 से 5 हज़ार स्क्वायर मीटर इसलिए चाहिए होता है कि बाई चांस रेनी सीजन है या कुछ किसी कारण से अगर मटेरियल गीला आता है, हाई मॉइस्चर वाला मटेरियल आता है, तो हम उसको सन ड्राई करके सुखा सकते हैं। इसमें वर्किंग कैपिटल हमें कम से कम 20 से 25 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। प्लांट एंड मशीनरी का कम से कम 20 लाख की आपकी ग्राइंडिंग यूनिट हो गई और दूसरी एंसिलरी यूनिट हो गई वो 35 से 40 लाख के अधिक, टोटल मिला के आपको कम से कम 70-80 लाख का आपको रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है मंथली की। 10 से 15% का इसमें मार्जिन होता है। रिटेल में ये बेसिकली काम में आता है बर्तन में यूटेंसिल्स जो आते हैं उसको साफ़ करने में, होम इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल करने में है। तो बेसिकली ये FMCG प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा मार्केट है इसका। डायटोमेशियस अर्थ पाउडर कितना इम्पॉर्टेंट है ये तो अब आप जान ही गए होंगे और कहीं ना कहीं ये कई इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम भी करती है। यानी अगर आप इस इंडस्ट्री को शुरुआत करते हैं तो आपको इस यूनिट में अच्छी क्वालिटी देनी होगी और अच्छी क्वालिटी देकर आप आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं, देश की इकोनॉमी और GDP बढ़ाने में भी अपना पूरा योगदान दे सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारियों से आप संतुष्ट होंगे और आप भी इस बिजनेस को शुरू कर आत्मनिर्भर बिजनेसमैन बनेंगे। बाकी डिटेल्स के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू आप IID से कॉन्टैक्ट करें और अदर जानकारियों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट करें। मैं राहुल जाट साइनिंग फॉर द डे। थैंक यू सो मच।